हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था हमने पिछले वीडियो में और उसमें हमने देखा था अभिक्रिया का वेग। आज हम देखेंगे वेग नियतांक, उसके बाद में कोटि और आणविकता, या आणविकता को ही एक दूसरे नाम से और बोला जाता है अणुसंख्यता। आणविकता या अणुसंख्यता एक ही चीज। देखिए, पहले अपन देखते हैं वेग नियतांक क्या होता है। जो वेग पढ़ा था उसी से संबंधित आएगा, एक वेग नियतांक स्थिरांक आएगा जिसे हम वेग नियतांक कहेंगे। उसके लिए अपने को पहले एक वेग का नियम पढ़ना है। 11th क्लास में पहले हमने पढ़ा भी है, सीधा सा नियम है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान होगा, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जैसे वेग को मैं dx / dt लिख लूं, तात्क्षणिक वेग, या आप वेग लिख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक आ रहा है ना, अभिकारकों की सांद्रता उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, ऐसा पढ़ाता हमने। बस वही नियम है, वेग समानुपाती है r के। जैसे यहां पर 2r है तो अपन यहां पर भी r की पावर कर देते हैं 2। यहां पर वेग में, वेग नियम में थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां पर ये जो आप पावर लगा रहे हैं, ये पावर इस स्टाइकोमेट्री गुणांक के सेम ही होगी, ये तय नहीं है। पावर 2 भी हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। बस ये थोड़ा सा चेंज है, ये ध्यान रखना। कैसे है चेंज देखो, मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है 2A+3B, इससे कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप, जैसे मैंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, ये इतना नियम तो सेम ही रहेगा। अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक कौन कौन है, ए और बी, इनकी सांद्रता है। परंतु इसमें आगे आपको एक लाइन और ध्यान में रखनी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, परंतु सांद्रताओं के घातांक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के समान या भिन्न हो सकते हैं। यहां पर इस एक की पावर 2 भी हो सकती है या 2 से अलग भी हो सकती है। अब पावर 2 अगर नहीं लगाएंगे तो कितने लगाएंगे और कहां से लगाएंगे, वो लगेगी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि से। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की अपने को क्रियाविधि देखनी पड़ेगी। क्रियाविधि जैसे मान लो 3 पदों में पूरी हो रही है, तो उन 3 पदों में अपने को सिर्फ सबसे धीमी गति का, मान लीजिए सेकंड जो पद है ना, सेकंड स्टेप, ये सबसे धीमी गति का पद है। तो ये जो वेग का फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं, ये सबसे धीमी गति के पद के अनुसार लिखना है अपने। सबसे धीमी गति वाले दूसरे पद मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, A+2B, और इससे कुछ बन रहा है मान लीजिए एक्स, ये सबसे धीमी गति वाला दूसरा पद है। तो ये जो वेग वाला फॉर्मूला है, इसको रिएक्शन मान करके इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा आपको। एक की पावर 2 नहीं लगानी, एक की पावर यहां पर देखो कितनी, एक है, एक ही मॉलिक्यूल है तो एक की पावर 1 लगेगी, बी के 2 मॉलिक्यूल है तो बी की पावर कितनी लगेगी, 2 लगेगी। ये है वेग का नियम। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, परंतु सांद्रताओं के घातांक स्टाइकियोमेट्री गुणांक के समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। सांद्रताओं के घातांक सबसे धीमी गति वाले पद पर निर्भर करते हैं, ये ध्यान रखना। यहां पर जो घात लगाई है वो यहां से नहीं लगानी है, जबकि कहां से लगानी है, सबसे धीमी गति वाला जो पद होता है ना, वहां से लगानी है आपको। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए अपने पास में जैसे ये रिएक्शन है, और इससे मान लीजिए कोई उत्पाद नहीं था, ये कोई ए और बी अभिकारक है, ए अभिकारक के ए मोल है, ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है तो स्मॉल ए है, और जो बी अभिकारक है उसके मान लीजिए बी मोल है। तो जो अभिक्रिया का वेग dx/dt ये किसके समानुपाती होगा, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, लेकिन इनकी पावर ए और बी यही हो जाए निश्चित नहीं है। तो ए की पावर मान लेते हैं अपन एक्स है, सबसे धीमी गति वाले पद में ए के एक्स मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे थे, और मान लीजिए बी की पावर है वाई,
ये होता है वेग नियम, dx अपॉन dt समानुपाती चिन्ह हटा करके मैं लगाता हूं बराबर का चिन्ह, तो अपने को एक लगाना पड़ेगा स्थिरांक, ये मैंने लगा दिया स्थिरांक k, इंटू ए की सांद्रता पावर x, b की सांद्रता पावर y, ये बन गया वेग व्यंजक। वेग का लिए, वेग के लिए सूत्र बन गया है, वेग है वेग dx अपॉन dt, वेग बराबर स्थिरांक इंटू अभिकारकों की सांद्रता है, सांद्रताओं का गुणनफल। वेग के लिए पहले भी हमने एक सूत्र पढ़ लिया है, देखो वेग बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल डी या प्लस में डेल पी अपॉन डेल डी, ये पढ़ाया, ये दूसरा सूत्र वेग। न्यूमेरिकल में जिस प्रकार का आपको क्वेश्चन हो वही फॉर्मूला लगाना है, इसके अकॉर्डिंग अगर न्यूमेरिकल पूछा गया है तो ये सूत्र लगाना है। अगर सांद्रता ही देकर के न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा गया है कोटि, ये एक्स और वाई के मान बता करके, एक्स और वाई की वैल्यू बता देगा, इनको कोटि कहा जाता है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना। तो पहले अपने वेग का नियम पढ़ा था, वो भी यहां पर काम में आएगा जो जैसा न्यूमेरिकल होगा, यहां पर अपन वेग के लिए दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया वेग का नियम, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती, परंतु अभिकारकों की जो सांद्रताएं हैं उनके घातांक सबसे धीमी गति वाले पद पर निर्भर करते हैं। और ये अपने पास में एक वेग का सूत्र आ गया, इसे वेग व्यंजक, और इसमें जो स्थिरांक आया के, इसी को बोलते हैं वेग नियतांक, यही है वेग नियतांक। तो यहां से अपन वेग नियतांक को परिभाषित करेंगे, देखिए के को परिभाषित करने के लिए वेग नियतांक, अगर इनका मान सांद्रताओं का मान अगर इकाई हो जाए, यदि अभिकारकों की जो सांद्रताएं हैं उनका मान इकाई हो जाए तो वेग बराबर, यही है वेग नियतांक की परिभाषा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं, समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हो, तो उस अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग नियतांक कहलाता है। इकाई सांद्रता, समस्त अभिकारकों की सांद्रता यदि इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, वेग नियतांक कहलाता है। यह आ गई वेग नियतांक की परिभाषा। अभी इसका मात्रक वगैरह निकालेंगे, तो मात्रक निकालने से पहले ये हमने ये जो पावर लगाई है इनके बारे में देख लेते हैं। ये अपनी देखो रिएक्शन थी, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने सबसे धीमी गति वाला पद देखा, और सबसे धीमी गति के पद में ए के एक्स मॉलिक्यूल और बी के वाई मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, मान लो कोई प्रोडक्ट मीडिएटर बन रहा है एक्स, तो अपन ने ये पावर लगाई है एक्स और वाई। ये जो घातांक अपन ने लगाए हैं इनको कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी x प्लस इन घातांकों का योग, जैसे मान लीजिए इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3, अभिक्रिया की कोटि हो गई। तो देखो अभिक्रिया की कोटि किसे कहेंगे, दो जगह से आप या तो यहां से परिभाषा बता सकते हो या यहां से बता सकते हो, कोटि किसे कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक, वेग का व्यंजक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों और घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अथवा किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में सबसे धीमी गति वाले पद में, सबसे धीमी गति वाले पद में अभिकारकों के स्टाइकोमेट्री गुणांकों का योग, धीमी गति वाले पद के स्टाइकोमेट्री गुणांक हो गए, तो सबसे धीमी गति वाले पद के स्टाइकोमेट्री गुणांकों का योग, या कह सकते हैं कि सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो ये जो घातांक लगा रहे हैं इनका जो योग होगा उसको अपन कोटि कहेंगे। अब जो वेग नियतांक है के, इसके लिए अपन मात्रक निकाल लेते हैं। देखो तो यहां से अपने पास में वेग का नया सूत्र आया है dx अपॉन dt बराबर के इंटू जितने भी अभिकारक हैं उनकी सांद्रता है और उनकी पावर मैंने मान ली n मान लेते, जैसे दो अभिकारक होंगे तो दो अभिकारकों की सांद्रताएं आएंगी, तीन अभिकारक होंगे जितने भी अभिकारक हैं उनकी सबकी सांद्रताएं आएंगी, सबकी अलग अलग पावर आएंगी।
तो यहां से देखो के का मात्रक निकालते, के बराबर क्या हो जाएगा डीएक्स अपॉन डीटी, यानी वेग है, इसको वेग लिख देता हूं, वेग बटे अभिकारक की सांद्रता और इसकी पावर है n। अब यहां से आप k का मात्रक निकाल सकते हैं, लेकिन k का मात्रक इस n पर, n क्या है यहां पर कोटि, इस कोटि पर डिपेंड करेगा। देखिए कैसे डिपेंड करेगा, k बराबर वेग का मात्रक कल निकाला था हमने मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वेग का मात्रक लिख दिया बटे अभिकारक की सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। और अब इसकी पावर, इसकी पावर लगेगी n, यहां पर अपने को पावर क्या लगानी है n लगानी है। अब n का मान कितना होगा उसके अकॉर्डिंग जो वेग नियतांक है उसका मात्रक आएगा। n के मान जैसे जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, n के भिन्न भिन्न मान आएंगे, तो n के भिन्न भिन्न मान रख करके अलग अलग वेग नियतांक के मात्रक, अर्थात वेग नियतांक का मात्रक है वो निश्चित नहीं होता है, यह कोटि पर डिपेंड करता है, कोटि पर निर्भर करेगा। अब देखिए मैं अलग अलग कोटि के लिए लिखता हूं, पहले हम n का मान देखो यहां पर जीरो रख लेते हैं, शून्य कोटि, कोटि का मान कितना है शून्य, यानी शून्य कोटि की विक्रिया है, तो शून्य कोटि विक्रिया के लिए k का मात्रक क्या आएगा, देखो n का वैल्यू रख देता हूं कितनी जीरो, इनकी पावर जीरो हो गई तो इनका सबका मान इकाई हो गया, तो ये तो सारा कट गया, ऊपर बच गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि वाली विक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है, जो वेग का मात्रक होता है वही वेग नियतांक का मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि, अगर कोटि का मान एक हो, विक्रिया की कोटि का मान अगर एक हो तो कोटि का मान कितना रख देता हूं मैं एक, तो इसकी पावर एक आ गई सबकी, तो देखो मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, बचेगा क्या सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि विक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक सेकंड इनवर्स, कोटि दी जाएगी आपको, यहां पर कोटि का मान रख देना, वेग नियतांक का मात्रक आ जाएगा। कोटि का मान दो भी हो सकता है, सेकंड कोटि के लिए कोटि का मान दो आएगा, तो यहां इसकी पावर कर देंगे दो, दो कर देंगे तो मोल की पावर भी दो हो गई और लीटर की पावर भी माइनस एक से कितनी हो जाएगी माइनस दो। अब देखो मोल की पावर ऊपर तो प्लस वन है, नीचे प्लस टू है, तो एक से एक कट जाएगी और नीचे बच जाएगी मोल की पावर प्लस वन, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगी मोल की पावर माइनस वन हो जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे लीटर की पावर माइनस एक, लीटर की पावर माइनस दो, तो दोनों जगह से माइनस एक कट जाएगी और इसको ऊपर लेकर के आएंगे, नीचे माइनस एक बचेगी, उसको ऊपर लेकर आएंगे तो लीटर की पावर हो जाएगी प्लस वन और सेकंड माइनस। ये हो गया द्वितीय कोटि विक्रिया का वेग नियतांक। इस तरह से भिन्न भिन्न कोटियों के लिए वेग नियतांकों के मात्रक भी भिन्न भिन्न हो, यह आपको ध्यान में रखना है। शून्य कोटि वाली विक्रिया का जो वेग नियतांक होता है उसका मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। कई बार जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कोटि देता नहीं, अगला वेग नियतांक का मात्रक दे दिया, खास करके प्रथम कोटि के लिए, तो आपको ध्यान रखना है अगर वेग नियतांक का मात्रक सेकंड इनवर्स लगा हुआ इसका मतलब वो प्रथम कोटि की विक्रिया है, और अगर मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लगा हुआ है तो वो शून्य कोटि का, इन दो का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा कोटि का मान भिन्नांक भी हो सकता है, देखिए भिन्नांक रखते हैं अपन, जैसे कोटि का मान हो सकता है एक बटा दो, एक बटा दो कोटि का मान है, इस विक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक कितना आएगा, देखो इसकी पावर लग दी हमने एक बटा दो, तो मोल की पावर भी एक बटा दो, लीटर की पावर माइनस एक बटा दो, मोल की पावर एक बटा दो, लीटर की पावर माइनस एक बटा दो, मोल की पावर ऊपर एक है नीचे एक बटा दो, तो हाफ से हाफ तो कट जाएगी, ऊपर हाफ बच जाएगी, मोल की पावर एक बटा दो ऊपर बची, लीटर की पावर माइनस एक, माइनस आधा तो माइनस आधा से आधा तो कैंसिल हुआ, माइनस आधा ऊपर बच गया, लीटर की पावर माइनस एक बटा दो और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से भिन्नांक कोटि भी हो सकती है, उसके लिए भी आप वेग नियतांक का मात्रक निकाल सकते हैं। तो अब आप निकालेंगे यदि कोटि का मान मैं ये कहूं कि तीन बटा दो है, यानी डेढ़ है, तीन बटा दो का मतलब हो गया डेढ़,
तो उस स्थिति में वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा? यह आप निकाल करके बताना मेरे को, कमेंट के रूप में बता देना कि इसके लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा। यहां पर आपको एन का मान इस बार एक से एक बटा दो डेढ़ रखना है, तो मोल की पावर भी डेढ़ हो जाएगी, लीटर की पावर माइनस एक तीन बटा दो डेढ़ हो जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वेग नियतांक का मात्रक निकालना है कि मात्रक क्या आता है, और जो भी मात्रक आए वो कमेंट के रूप में आप मेरे को बताएंगे। तो ये तो हो गया वेग नियतांक क्या होता है। पढ़ लिया आपने कि अगर अभिकारकों की सांद्रता इकाई है तो उस अभिक्रिया के वेग को ही वेग नियतांक कहते हैं। मात्रक मात्रक कोटि पर डिपेंड करता है। कोटि क्या होती है? कोटि भी पढ़ लिया हमने। वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या होता है? कोटि होती है। कोटि का जो मान है, वैल्यू है, वो जीरो हो सकती है, भिन्नांक में भी हो सकती है, और वन टू थ्री फोर पूर्णांक में भी हो सकती है। अलग अलग प्रकार से जो कोटि की वैल्यू है वो संभव है। फिर उसके बाद में एक चीज और बच गई अपने, आणविकता या अणुसंख्यता, ये क्या होती है? ये जैसे कोई अभिक्रिया है तो इसकी कोटि तो अपन किसे कहेंगे? कोटि तो वेग व्यंजक या सबसे धीमी गति वाला पद होगा, उसके स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होंगे, या तो वेग व्यंजक है उसमें जो पावर लगी हुई है एक्स प्लस वाई, इनका योग होता है, घातांकों का योग होता है कोटि। अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। और एक होती है आणविकता या अणुसंख्यता, दोनों में थोड़ा सा डिपेंड है। अणुसंख्यता किसे कहते हैं? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ये मैं इसको संतुलित कर देता हूं, ये संतुलित क्या हूं? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का योग, अभिकारकों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का योग, दोनों में बस ये डिफरेंट है। अभिकारकों की सांद्रता के घात का योग कोटि, और अभिकारकों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का योग आणविकता। जैसे ए का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है ए और बी का है बी, तो ए प्लस बी, ये हो गई आणविकता। जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया इस प्रकार से है, तो आणविकता एकदम सीधी निकाल लिया आपको, अभिक्रिया ये संतुलित कर दी। ध्यान रखना आणविकता के लिए अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, कोटि के लिए संतुलित होना जरूरी नहीं है, लेकिन आणविकता के लिए पहले आप अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, और फिर जितने भी अभिकारक हैं उनके मोलों की संख्या स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों को जोड़ दीजिए, दो और तीन, दो प्लस तीन, इसके आणविकता कितनी हो गई? पांच हो गई। इस तरह से जोड़ देंगे। मान लीजिए बी का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक एक है, तो दो प्लस एक, या मान लीजिए अभिक्रिया इस प्रकार से है, तीन अभिकारक आ गए तो तीनों के स्टोइकोमेट्रिक गुणांक जुड़ेंगे, दो प्लस एक प्लस दो, यानी अभिक्रिया की आणविकता का मान हो गया पांच। ये होती है अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रखना। अभिकारकों की सांद्रता के घात का योग कोटि, और अभिकारकों की स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का योग आणविकता कहलाती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि आणविकता और कोटि इन दोनों में फिर डिफरेंट क्या क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या अंतर है। आणविकता कोटि, नंबर एक, पहला अंतर, आणविकता स्टोइकोमेट्री गुणांकों का योग होता है, अभी पद पढ़ा है अपन ने, स्टोइकोमेट्री गुणांकों का योग, और कोटि क्या होता है? घातांकों का योग। अंतर हो गया दोनों में, अभिक्रिया में अभिकारकों की स्टोइकोमेट्रिक गुणांकों का योग होता है, अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग होता है। नंबर दो, दूसरी चीज मैंने अभी बताई थी आपको कि आणविकता लिखने के लिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है, रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए, जबकि कोटि लिखने के लिए अभिक्रिया को संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोटि का और संतुलित अभिक्रिया का कोई संबंध नहीं है। नंबर तीन, तो फिर कोटि का संबंध किस किसी
कोटि का संबंध होता है विक्रिया की क्रियाविधि से, और क्रियाविधि में भी सबसे धीमी गति वाले पद से। अभिक्रिया की कोटि क्रियाविधि पर डिपेंड करती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता क्रियाविधि पर डिपेंड नहीं करती। ये तो संतुलित अभिक्रिया पर डिपेंड कर रही है और ये डिपेंड कर रही है क्रियाविधि पर। आणविकता का मान शून्य हो सकता है क्या? आणविकता का मान शून्य शून्य होने का मतलब अभिकारक है नहीं, तो अभिक्रिया कहां से हुई? इसका मान शून्य पॉसिबल नहीं है, जबकि कोटि का मान शून्य भी हो सकता है, क्योंकि धीमी गति वाले पद में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो अपने अभिकारक है उनमें से कोई भी भाग नहीं ले रहा है, बल्कि अदर कोई मध्यवर्ती भाग ले रहा है धीमी गति वाले पद में, तो उस स्थिति में अभिक्रिया की कोटि जीरो हो जाएगी। आणविकता का जो मान है वो हमेशा पूर्णांक पूर्ण संख्या में होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा, जबकि कोटि का मान भिन्नांक भी हो सकता है। कोटि का मान है वो भिन्नांक भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का आधा अणु भी काम में आ सकता है, हाफ और टू काम में आ सकता है, संतुलित वो सॉरी धीमी गति वाले पद में हो सकता है किसी अभिकारक का आधा अणु काम में आ रहा हो, उस स्थिति में इसके मान भिन्नांक हो सकते हैं, जैसे आधा हो सकता है, 3/2 हो सकता है, इस तरह से 5/2 हो सकता है। आणविकता जो है ये एक सिद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल चीज है, जैसे अपन बुक जो पढ़ रहे हैं वो सारी थ्योरेटिकल, और जो लेब में करते हैं वो प्रैक्टिकल होता है, और जो कोटि होता है ये प्रायोगिक होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। कोटि पढ़ने के लिए अपने को प्रायोगिक प्रैक्टिकल के द्वारा जांच करनी पड़ेगी, जबकि आणविकता पढ़ने के लिए कोई प्रायोगिक कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, ये सैद्धांतिक है, जबकि कोटि कैसा है? प्रायोगिक। ये हो गई आणविकता और कोटि दोनों के मध्य डिफरेंट। तो आज हमने पढ़ लिया वेग नियतांक, वेग नियतांक क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, इसकी इकाई क्या होती है इसका विशेष रूप से ध्यान रखना आप, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, मात्रक या इकाई ये हमेशा कोटि पर डिपेंड करता है। उसके बाद में कोटि क्या होती है, कोटि पढ़ लिया हमने, आणविकता क्या होती है, आणविकता पढ़ लिया, कोटि और आणविकता में संबंध क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने आज के वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।